मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। खबर आजमगढ़ से है, जहां कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। अभी विगत दिनों में मीडिया से वार्ता के दौरान डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने वर्तमान SDM सदर और उनके पेशकार पर सबूतों के साथ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी जाँच चल रही है। आरोपित किए गए अधिकारियों कर्मचारियों के पदों पर बने रहते निष्पक्ष जाँच हो पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन्हें निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल उनके पदों से हटाया जाना आवश्यक है। यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। वहीं अभी कर्नाटक में संपन्न हुए चुनाव में कर्नाटक की जनता ने 40% की बीजेपी सरकार को बुरी तरह से पराजित कर सत्ता से बेदखल किया है। वह दिन दूर नहीं जब देश की जनता पूरे देश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देगी। मीडिया से बातचीत करते हुए और क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने, सुनिए। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर। अभी विगत दिनों डॉक्टर शैलेश कुमार राय ने मीडिया में सबूतों के सहित वर्तमान SDM सदर और उनके पेशकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उक्त अधिकारियों कर्मचारियों के पद पर बने रहते निष्पक्ष जाँच हो पाना संभव नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। यदि निष्पक्ष जाँच नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। कर्नाटक की जनता ने अभी 40% की भ्रष्ट बीजेपी सरकार को सत्ता से बुरी तरह से पराजित कर बेदखल किया है। उसी तरह से पूरे देश से बीजेपी को देश की जनता सत्ता से बेदखल करेगी।